दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सभी लोग देख रहे हैं हिंदवाइस चैनल। दोस्तों आज हम यहाँ पे कनॉट प्लेस पे आए हैं। कल चंद्रयान 2 जिसकी संभावनाएं ये जताई जा रही थी कि चंद्रयान 2 पूर्णतः रात को 2 बजे के आसपास चंद्रमा के सतह पर स्थापित हो जाएगा, लेकिन कुछ तकनीकी खराबियाँ आई उसमें जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन था चंद्रयान 2 से वो टूट गया। पूरा देश इसरो के साइंटिस्टों के साथ है और उनके ये आशा जताई जा रही है कि आने वाले समय में जो कम्युनिकेशन है फिर से जुड़ेगा और जो उससे जानकारियां साझा की जानी हैं वो फिर से हो पाएगा। यहाँ पे कई सारे लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत की जाती है, देखा जाता है कि इनकी राय क्या है इस पर। हाय गाइस, आई एम सलोनी एंड आई एम अ फ्रेशर। लाइक ये चंद्रयान 2 जो भी मिशन फेल हुआ वो हमारे लिए एक मोटिवेशन है। अभी फेल नहीं हुआ, हाँ जो भी है हम फेल नहीं कह सकते, टूट गया। लाइक उसकी वजह से हम लोग को डिसहार्टन नहीं होना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यही हम लोग सुनते आए हैं, ये फ्रेज सुनते हैं बचपन से। तो फेलियर इज द की टू सक्सेस, डिसहार्टन नहीं होना बहुत सही है, कोई बात नहीं। नरेंद्र मोदी भी यही कह रहे हैं, वो रिएश्योरेंस दे रहे हैं साइंटिस्ट को कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब। थैंक यू। लाइक हम कनेक्शन टूट गया पर ये नहीं कि हम अपना ट्राई करना छोड़ दें। पता नहीं क्या हो कि अब थोड़े महीने बाद क्या पता कनेक्शन वापस आ जाए, और अभी तक हमें ये पता नहीं चला कि वो वहाँ डिस्ट्रॉय हुआ या कहीं खो गया। और लाइक अभी तक ये काफ़ी बड़ी चीज़ है कि हमारे देश के साइंटिस्ट ने इतना बड़ा कर दिखाया कि आज तक वर्ल्ड में कोई कंट्री नहीं कर पाई कि उस एरिया तक जाना जहाँ तक हम सोच भी ना सके या देख भी ना सके। तो लाइक अभी तक होप नहीं छोड़नी चाहिए, क्या पता ये किसी अच्छी चीज़ के लिए हुआ हो। थैंक यू। सही बात। आई एम कृष्णा, आई एम फ्रेशर एंड ये जो भी है मैं सपोर्ट करना चाहूँगा अपने साइंटिस्ट को कि उन्होंने ये जो जितना ये मिशन था वो स्वदेशी था, और जितना भी हम लोग ने किया, जितने भी कंट्री ने किया उसने किसी किसी से हेल्प तो निश्चित ली है, और हम लोग इतना नज़दीक पहुंच के ये वहाँ से आए वापस, लगभग 2.1 किलोमीटर हम लोग जस्ट शॉर्ट थे लैंडिंग 2.1 किलोमीटर। यस, लेकिन अभी भी कुछ अभी होप बाकी है। अब सब दुनिया चल रही, विश्वास पे हम लोग भी कायम है, हो सकता है कि हम लोग सक्सेस हो जाएं। कहाँ के रहने वाले हो आप? जी मैं बिहार से हूँ। यहाँ पे कौन सा कॉलेज है? सत्यवती कॉलेज से। और आज मैं भरा जगा हुआ था वो देख रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो हो नहीं पाया, लेकिन हम लोग उम्मीद है कि हम लोग एक दिन निश्चित पहुँचेंगे वहाँ पे, आज नहीं कल ही सही जाएंगे हम लोग। इतना समय लगने के बाद भी बहुत नज़दीक तक पहुँच चुका था, लेकिन 2 किलोमीटर के अंतर से वो कहीं मिस हो गया। लेकिन वैज्ञानिकों को बहुत सराहना करनी चाहिए, हमारे देश के वैज्ञानिक पूरे विश्व में बहुत अच्छा काम किए हैं, आगे फिर इस पर विचार किया जाएगा, फिर से तो लगातार कुछ न कुछ प्रयास होगा ही, लेकिन इसको सक्सेस ही माना जाए। प्रधानमंत्री जी भी ने आज सवेरे सब वैज्ञानिकों, एक तो ऐसे वैज्ञानिक थे जो चीफ थे वो भावुक होकर के रोने भी लगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनको बहुत धैर्य दिया, साहस, कहा कि नहीं आपने बहुत अच्छा किया, अपने तरफ से हम आप सब मिल करके बहुत अच्छा किए, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, वो कहीं देखिए आगे क्या होता है, तो न्यूज़ से ही पता चलेगा हम लोगों को। एक्चुअली ऐसा हुआ कि हमको इससे ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, ट्राई एंड ट्राई अगेन। ओके, एक्चुअली इसके लिए कोई ज़्यादा होपलेस होने की बात नहीं है हमें, और अभी दोबारा हम फिर कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है इस बार अभी 95% यदि हम सक्सेस हुए हैं तो नेक्स्ट टाइम 100% श्योर होंगे। और ऐसा कि हमारे यहाँ अभी जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं इन इंडिया और विश्व में सबसे अच्छे अभी टेक्नोलॉजी है हमारी, तो नेक्स्ट टाइम वी श्योर वी अचीव दिस चंद्रयान 2। जी मेरा नाम राहुल रंजन श्रीवास्तव है और मैं डिप्लोमा से सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ। और सर रही बात चंद्रयान 2 की, तो असफलताएं तो आती हैं और असफलताएं के बाद सफलताएं भी होती हैं। हमारे देश में बहुत से वैज्ञानिक हुए, इस चीज़ का प्रेरणा है कि चंद्रयान एक ना एक दिन जरूर सफल होगा, हमें इस बात से संतुष्ट रहना चाहिए। कोई बात नहीं, आज असफल हुआ कल के डेट में सफल हो जाएगा, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी बधाई दिया है, और इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उनका भी बहुत सराहनीय कदम रहा है कि चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक लैंड हो, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 2 किलोमीटर पहले ही लैंड ना हो सका। फिर आगे जो भी मेहनत होगा वो सफल होगा, मैं तो ईश्वर से कामना करता हूँ कि आगे जो भी वैज्ञानिक मेहनत करेंगे वो सफल होगा।
सर बड़े दुख की बात है, सिर्फ 2 किलोमीटर दूर रह गए थे हम चंद्रयान 2 पर वहाँ पहुँचते पहुँचते, मगर कोई ऐसी बात नहीं है। इसरो जैसे और भी हमारे यहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा एक संस्थान खुले जहाँ कि इसरो जैसे वैज्ञानिक जो हम लोग या हमारी सरकार पहुँच नहीं पाती है, उनका जो है खोज हो और उनको आगे मौका मिले। और रही पाकिस्तान की, पाकिस्तान को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ तक पहुँचे इंशाल्लाह हम जो है दोबारा से कामयाब होके वापसी होंगे, और हम वहाँ का वहाँ ये भी बताएंगे कि यहाँ पानी है और इतना पानी है, और हम अपना परचम लहराएंगे वहाँ पर। एक बार हम पहुँचे थे, पहले एक हमारे देश की महिला पहुँची थी, और दोबारा भी हम वहाँ पहुँचेंगे और इंशाल्लाह अपना झंडा लहराएंगे वहाँ पर। थैंक यू। एक्चुअल में क्या है सर, चंद्रयान जो है चंद्रयान 2 का मिशन बहुत बढ़िया था, लेकिन जो है सर बस ये थोड़ी जो मिस्टेक के कारण जो ये फेल हुआ है, ये फेल नहीं हुआ है। इससे जो हमें और पता चलता है कि हाँ हमें और कितनी मेहनत करनी है, और ये जो फेल हुआ है ये ज़रूर पास होगा आने वाले समय में, ये ज़रूर होगा, और ये कुछ ही समय में ये ज़रूर होगा, ये मुझे अंदर से फील होगा, बिल्कुल होगा। थैंक्स। लो हमने बढ़कर खोल दिया इस अंतरिक्ष का दुर्ग द्वार, हे चंद्रदेव लो भारत की मेघा का पहला नमस्कार, जिसके चेहरे से दिखते हैं रामेश्वर के अब्दुल कलाम, इसरो के सभी साधकों को भारत के जन जन का सलाम। दोस्तों ये थी खास बातचीत यहाँ के लोगों से। मेरी भी हिंदवाइज की कामना यही है कि चंद्रयान 2 से जो कम्युनिकेशन है वो जल्दी से जल्द इस्टेब्लिश हो जाए फिर से, और वहाँ की जो पूरी प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। धन्यवाद।